हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं, आज का जो मैं टॉपिक है, मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी ये स्पेशल जो है ये पीजीटी जेएसएससी को ध्यान में रख करके ये जो वीडियो का जो सीरीज़ रहेगा ये स्पेशल जेएसएससी को ध्यान में रख करके ये मैंने तैयार किया हुआ है। तो सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस जो है वो है द जनरल सर्वे क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला। तो क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला, तो इसमें आगे जाकर के फिर बहुत सारे डिफरेंट फाइलाज हमारे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमेंट्स एंड सो मोर मेनी मोर, जितने भी हमारे फाइलम्स हैं वो सारे फाइलम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन बेसिक से हम स्टार्ट करें तो क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला, और जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, मैंने ये वीडियो जो है तैयार करने की कोशिश की है, जिससे आपको तैयारी करने में आपको सुविधा हो, आसानी हो। जैसे इसका जो क्वेश्चन नंबर पिछले साल का अगर जो ट्रेंड मैंने देखा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर जो आया है क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप देख लें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था, जॉर्ज क्यूवियर इज गिवन क्रेडिट फॉर कॉइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है वो डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस देख लें। इसमें जैसे है कि इसका ऑप्शंस है किंगडम, फाइलम, फैमिली, क्लास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई किस कि, जॉर्ज क्यूवियर ने किस टर्म को इसमें से कॉइन किया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें से, बेंथम एंड हुकर, एपीडी कंडोले, लीनियस, जे हक्सली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हमने ये वीडियो जो सीरीज मैं बनाऊंगी, ये उस टॉपिक को ही ध्यान में रख करके मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस बात कर रहे हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि टॉपिक है तो उसको सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, जितने भी तरह के वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलते हैं वो सारे जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी हमको मिलती है वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। वो बायोडाइवर्सिटी का बेसिस हमने रखा है डाइवर्सिटी किस में, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, हैबिट में, हैबिटेट में, साइज में, कलर में, वो किसी भी तरह का जो डाइवर्सिटी होगा, वेरिएशंस होगा, वेरियस फॉर्म्स में मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सारा कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप दिस टर्म इज क्लियर कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और अकरेंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। तो ये जो भी वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो सारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। गाइज, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर्स की, कि नंबर कितने हैं। ठीक है, तो अभी जो है अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये एस्टिमेटेड हैं कि अर्थ में अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें से 1.25 मिलियन जो है वो एनिमल्स के हैं। देखिए नंबर कितनी ज़्यादा है, 1.7 टू 1.8 मिलियन टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से 1.25 जो हैं वो एनिमल्स हैं। इसमें से 1.025 में आप एक जीरो ऐड कर लीजिए, तो बिफोर एक जीरो ऐड करिए, वो याद करने के लिए है कि 1.25 मिलियन में से 1.025 मिलियन जो है वो अकेले इंसेक्ट्स जो है वो कवर करते हैं। तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से और 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं और इसमें से 0.5 मिलियंस जो हैं वो प्लांट के स्पीशीज जो है एस्टिमेटेड नंबर हैं। और ये भी है
कि अराउंड 15,000 जो है न्यू प्लांट एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ है वो हर साल जो है वो न्यू डिस्कवर हो रही है, न्यू ऑर्गेनिजम्स हमें मिल रहे हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड स्पीशीज़ 2000। ये एक प्रोजेक्ट है, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ का जो डिस्कवरी है वो और इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद नंबर ऑफ स्पीशीज़ विच आर डिस्कवर्ड पर ईयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 15,000 एंड मोर। तो नंबर इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दिस प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड स्पीशीज 2000, प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच, तो इट इज़ रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी में किस एनिमल्स का, प्लांट्स का कितना रोल है, इसमें इंसेक्ट्स का क्या रोल है, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट क्या हैं, और इसमें 5 से 30 मिलियन जो है, इसके बीच में 5 से 30 मिलियन के बीच का कोई भी नंबर जो है ये हो सकता है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स है वो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो है माना जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है। और एक और है, एक और जोन है जिसको हम कह सकते हैं, कहते हैं अंडर वाटर रीफ, यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमको पूछे जा सकते हैं। जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की, हिस्ट्री की। तो इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।